गुड इवनिंग एवरीवन, ये है वीडियोस वर्ल्ड चैनल और आप देख रहे हैं ई टैप ट्यूटोरियल सीरीज और ये है डे 18। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा वीडियोस में होगा वो होगा मूव जॉइंट। लास्ट वीडियो में हम एडिट वॉल्स एंड सेल्स हो चुका है, आज की वीडियो में मूव जॉइंट, फ्रेम लोड, जॉइंट लोड्स एंड हो सका तो सेल्स लोड भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट। एक ग्रिड हमारी पहले से डिफाइन है, इसके ऊपर हम बीम और कॉलम भी ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ड्रॉ हो चुका। तो फर्स्ट था हमारा मूव जॉइंट। तो मैंने क्या किया, इस कॉर्नर के जॉइंट को सिलेक्ट किया, कोई भी जॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं। एडिट, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मूव जॉइंट फ्रेम सेल्स, कोई भी चीज़ तीनों में से आप मूव कर सकते हो। इस पर क्लिक किया और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक्स डायरेक्शन में 2 मीटर मूव किया, यानी कि इस डायरेक्शन में 2 मीटर मूव जॉइंट। ये देखिए हो गया, जॉइंट के साथ साथ वो मेंबर कनेक्ट रहा है आपस में। चलिए अब एक इस मेंबर को करके देखते हैं, एडिट जॉइंट फ्रेम 3 मीटर। तो ये पूरा मेंबर 3 मीटर आपका मूव हो गया। इसी तरह सेल्स भी मूव हो सकती हैं। नेक्स्ट आपका फ्रेम लोड, एक मेंबर हम सिलेक्ट कर लेते हैं जिसमें हम फ्रेम लोड लाएंगे। फ्रेम लोड मींस कॉलम और बीम के ऊपर हम लोड लगा रहे हैं, वो भी उस सरफेस पे उनकी, ना कि उनके जॉइंट्स पे। जॉइंट्स पे लोड लगाना है तो जॉइंट लोड। तो असाइंग में जाते हैं, असाइंग में आ रहा है आपका फ्रेम लोड्स, उसमें फर्स्ट लोड आ रहा है पॉइंट लोड। तो पॉइंट लोड सबसे पहले पूछ रहा है किस टाइप का लोड है, डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड, सीज़मिक लोड, बहुत सारे लोड होते हैं वो आप बना सकते हैं, वो आगे वीडियो देखेंगे। अभी पहले से जो डिफाइन है इसमें वो है डेड लोड। ओके, उसके बाद पूछ रहा है कि लोड की डायरेक्शन क्या होगी और वो किस टाइप का है। ये टाइप तो पैटर्न तो उसका पॉइंट है, पॉइंट फोर्स, बट मोमेंट है कि फोर्स है। तो मैंने फोर्स सेलेक्ट किया यहाँ पे। डायरेक्शन ग्रेविटी, आप इनमें से कोई भी ले सकते हो। तो मैंने ग्रेविटी ले ली, उसके बाद आप रिप्लेस कर रहे हो, यानी कि पहले से मान लीजिए 2 किलोन्यूटन का लोड है, उसको 4 बना रहे हो, रिप्लेस कर रहे हो, या एक न्यू लोड ऐड कर रहे हो, और या फिर आप मान लीजिए 2 का है, अगर आप 3 लगा रहे हो यहाँ पे तो वहाँ क्या हो जाएगा, 5 ऐड जाएगा। रिप्लेस में वो 2 हट जाएगा, 3 रह जाएगा और डिलीट में जो लोड है वो हट जाएंगे। तो रिप्लेस रहने देते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया लोड पैटर्न किस टाइप का लोड है, डेड है कि लाइव है। इसमें हम बात करते हैं कि आपका लोड मोमेंट है कि फोर्स है और डायरेक्शन क्या है। इसमें बात करते हैं वो फोर्स को लगाना है, रिप्लेस करना है, डिलीट करना है। अब आते हैं इस वाले बॉक्स में। इस बॉक्स में 2 ऑप्शन दिए हुए, रिलेटिव डिस्टेंस फ्रॉम एंड वन आई और एब्सोल्यूट डिस्टेंस फ्रॉम एंड आई। आई होता है आपका स्टार्टिंग पॉइंट। तो रिलेटिव डिस्टेंस, जैसे कि यहाँ पे 4 बॉक्स दिए हुए हैं, मान लीजिए इस बीम के सेंटर पे मुझे लगाना है और ये बीम है 8 मीटर का, तो सेंटर का मतलब हाफ, यानी 8/2, इसका मतलब 1/2, यानी कि 0.5, और लोड लगाना है 3 किलोन्यूटन। अप्लाई किया, ये लग गया। अब मुझे लगाना है, मान लीजिए मुझे लगाना है 2 मीटर पे, 2 मीटर पे लोड लगाना है, तो क्या हो जाएगा 2/8, इसका मतलब 1/4, यानी कि 0.25। तो 0.25 पर मैंने लगा दिया 6। अप्लाई, मेंबर सेलेक्ट करना होगा, अप्लाई, देखिए 6 लग गया। तो समझ गए प्रोपोर्शन इसमें डालना होता है, ठीक है। हमें प्रोपोर्शन कैलकुलेट करना पड़ता है, तो इससे अच्छा है हम कि एब्सोल्यूट डिस्टेंस डाल दें। यहाँ पे देखिए मुझे लोड लगाना है 1.5 मीटर पे, स्टार्टिंग पॉइंट से कितना, 10 किलोमीटर। मैंने ओके किया, सॉरी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया था बीम। तो असाइन फ्रेम लोड पॉइंट लोड, वो वैल्यू दोबारा से आ जाएगी यहाँ पे 1.5 पर 10 किलोमीटर लगा रहा हूँ मैं। अप्लाई, देखिए 1.5 पे 10, और यहाँ पे 0 पे 6 सेलेक्ट करते हैं, 0 पे 6 लग गया। ओके, और लोड हाइट क्यों हो गए, क्योंकि यहाँ पे हमारा कौन सा बटन है, कौन सा टिक है, रिप्लेस, यहाँ रिप्लेस हो रही है चीज़ें।
ठीक है, तो एब्सोल्यूट और रिलेटिव का मतलब समझ गए। एक बार मोमेंट और लगाते हैं, मोमेंट क्या लगाते हैं हम, सेंटर पे 4 मीटर पे कितनी सैगिंग मोमेंट 20। अभी भी नहीं लगी, क्यों नहीं लगी बता सकते हैं आप, क्योंकि हमारा मेंबर सेलेक्ट नहीं था। सेलेक्ट किया, यहाँ पे डाला 4 मीटर, मोमेंट है ये लग गई मोमेंट। मोमेंट में इसमें कोई सर्कुलर एरर की तरह नहीं दिखाता, एरो की तरह इसमें स्ट्रेट एरर दिखाता है, स्ट्रेट एरो इस टाइप का। ठीक है, तो ये थे आपके फ्रेम लॉट्स। अब इस मेंबर पे लगाते हैं हम फ्रेम लोड, ने पॉइंट लोड हम लगा चुके हैं, हम लगाते हैं UDL। तो असाइन फ्रेम लोड डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो सेम एज डेड लोड, फर्स्ट फोर्स एंड मूवमेंट, UDL मूवमेंट, UDL फोर्स, सेम ये ऑप्शन है, सेम ये ऑप्शन है। इसमें एक ऑप्शन हो रहा है ये वाला, इसमें क्या होता है फुल मेंबर जो सिलेक्ट उस पर लग जाएगा। मान लिया मैंने डाला 9, ओके पूरे मेंबर पे लग गया, ठीक है हमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है पूरे मेंबर। वही सेम मैं लगा के देखता हूँ 2 मीटर पे, तो इसमें दो डिस्टेंस डालनी होगी। अगर मैं UDL लगाना है यहाँ से लेके यहाँ तक 2 मीटर पे, तो 0 पे 9 एंड 2 मीटर पे 9। यहाँ पे एब्सोल्यूट करते हैं 2 मीटर पे 9, 0 पे 9, 2 मीटर पे 9। अब अप्लाई करता हूँ तो देखिए इसको 0 कर देते हैं रिप्लेस सेलेक्ट करने के बाद। ये देखिए 0 से 9 लोड लग गया है। आप एक चीज और आपको बताता हूँ, इस UDL से ट्रैपोजॉइडल लोड भी बना सकते हैं। जैसे कि मैंने 0 पे 0 लोड लिया और 2 मीटर पे 9 मीटर लिया, 9 किलोमीटर लिया, तो क्या बन जाएगा ये लीनियर वायरिंग लोड। और अगर ट्रैपोजॉइडल बनाना है तो यहाँ ट्रैपोजॉइडल में दो वैल्यू होती है, मिनिमम लोड मैक्सिमम लोड। मान लीजिए यहाँ पे 2 किलो न्यूटन है और 2 मीटर पे 9 है, तो ये बन गया आपका ट्रैपोजॉइडल। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ लोड। क्लोज, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। असाइन फ्रेम लोड टेम्परेचर लोड, सेम रिप्लेस टाइप ऑफ लोड इंक्लूडेड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पर टेम्परेचर डालना है, मैंने डाल दिया 20 डिग्री का वेरिएशन है टेम्परेचर में, 20 डिग्री वेरिएशन है, लग गया आपको फोर्स। नेक्स्ट देखते हैं असाइन फ्रेम लोड ओपन स्ट्रक्चर विंड पैरामीटर। ये लोड आता है आपका विंड लोड एनालिसिस में, जो हम आगे बताएंगे। विंड लोड में क्या होता है, दो टाइप के लोड होते हैं आपके। एक अगर आपका स्ट्रक्चर क्लोज है, यानी कि चारों तरफ से ढका हुआ है, तो जो ढकी हुई सरफेस है उसके ऊपर फोर्स लगता है। अगर आपका स्ट्रक्चर ओपन है तो हवा अंदर जाती है, विंड अंदर जाएगी, अंदर लगेगी अंदर के बीम कॉलम पर, उस टाइप का लोड होता है। तो जब हम विंड लोड एनालिसिस करेंगे तब इसकी बात करेंगे। जॉइंट लोड और देख लेते हैं हम। जॉइंट में सबसे पहले फोर्स, हमने कोई जॉइंट सेलेक्ट किया और यहाँ पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगाना है, मान लो FZ में लगाना है 25, -25 में डाउनवर्ड अप्लाई, ये 25 लग गया। और पंचिंग शीयर देनी है तो हम यहाँ दे सकते हैं, और जिस भी डायरेक्शन मूवमेंट देनी है तो ये मूवमेंट्स हैं, ये फोर्स हैं। तो जॉइंट लोड में एक है डिस्प्लेसमेंट, हम जॉइंट को कितना डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं, चाहिए ये जॉइंट मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैं जेड डायरेक्शन में दे देता हूँ 10 mm, तो 10 mm का हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। रोटेशन देना चाहता हूँ तो रोटेशन किसके अंदर, डेड लोड, किसी भी डेड लोड के अंदर रिप्लेस किया हमने। नेक्स्ट है आपका जॉइंट लोड में टेम्परेचर, सेम जॉइंट को टेम्परेचर देना चाहता हूँ 30 डिग्री 30 डिग्री। इसके बाद है आपका सेल्स लोड, तो सेल्स लोड की भी हम बात कर ही लेते हैं। एक सेल बना लेते हैं, सेल यानी कि स्लैब, ये हमने एक स्लैब बना ली है, ये रही। इसको सेलेक्ट किया, असाइन सेल्स लोड, सबसे पहले यूनिफॉर्म लोड है इसके ऊपर, एक यूनिफॉर्म लोड हमें लोड सेट यहाँ से बना सकते हैं 2। ये देखिए
यानी कि हम सबसे पहले क्या है, इसको सिलेक्ट किया हमने, और असाइन सेल्स लोड यूनिफॉर्म लोड सेट, यानी कि एक सेट बना दिया हमने लोड्स का, वो लगा दिया इसके ऊपर ये डायरेक्टली हमने। तो सेट पे हम गए, मॉडिफाई न्यू सेट बनाया, उसमें पूछ रहा है कि लोड पैटर्न क्या ऐड किया, जैसे कि किस टाइप का डेड है, लाइव है, विंड है, कैसा है, कितना लोड है। ओके कर दिया और हमने ओके किया और उसको लगाया था, यहाँ पे नाम लिखा आ रहा था, ये लोड लग चुका है। और देखते हैं असाइन सेल्स लोड यूनिफॉर्म, सिंपल यूनिफॉर्म फोर्स लग रहा है। ग्रेविटी डायरेक्शन दी हुई है, मैंने ले लिया 32 ग्रेविटी डायरेक्शन, सेम वही चीज़ें सारी। ओके किया, देखिए आ रहा है, शायद टू टाइप हो गया मुझसे, 32। ओके, पहले से जो लोड लगा था उसमें ऐड हो गया, 34 हो गया, 2 पहले से था फिर ऐड हो गया। उसके बाद है नॉन यूनिफॉर्म फोर्स, नॉन यूनिफॉर्म मतलब कि ट्रेपोजियल फॉर्म में अगर हम लगा रहे हैं, मैंने देखिए दो में डाला, दो दो और दो में डाला 10 10, और वो सेम है ये सब, तो आप जानते ही हैं। देखो वैल्यू लिखी आ रही है, इसका मतलब क्या है, देख लो एक बार, इमेज दी हुई है यहाँ पे, उसको हम देख सकते हैं। देखिए ए बी सी डी, चार कॉर्नर है, दो कॉर्नर में 2 2 दिया, दो कॉर्नर 10 10, तो इस तरह से नॉन यूनिफॉर्म फोर्स हो गया। सेम टेम्परेचर दे सकते हैं, और सेम इसमें विंड का आता है, जब हमारी जो बिल्डिंग बनाई है हमने वो सेल्स से ढकी हुई है, तब वहाँ पे क्या फोर्स, कैसे फोर्स रहना है, ये उस टाइप का फोर्स। तो ये थे सारे फोर्स, नेक्स्ट वीडियो में लगभग हमारे टूल्स ख़त्म होने जा रहे हैं, उसके बाद हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब रखिए, अगर आपको ये टूल्स नहीं देखने, डायरेक्ट प्रोजेक्ट्स की वीडियोज़ देखनी है तो जल्द ही आने वाली हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे आपको वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।